हाय गाइस, वेलकम बैक टू रावत्स लाइव वंस अगेन। और मैं कल आपको कंटिन्यू नहीं कर पाया वो ब्लॉग, और मैं आज सुबह यहाँ पौड़ी में पहुँच गया था। थका हुआ था काफ़ी, उसके बाद मैंने रेस्ट वगैरह किया, नहाया वगैरह, तो मैंने उसको ब्लॉग को एंड नहीं किया। उसी का हम इसको सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं आया हूँ पौड़ी में ही सैर करने, थोड़ा घूमने फिरने। तो मेरे पीछे अभी यहाँ रिजॉर्ट में आया हूँ लंच करने के लिए। इस रिज़ॉर्ट का नाम है आनंद हिमालय रिज़ॉर्ट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका नाम है आनंद हिमालय रिज़ॉर्ट। तो अभी इसके अंदर ही चलेंगे और कुछ ऑर्डर करते हैं। और ये देखो गाइस, क्या व्यू है यहाँ से। ये नीचे छोटे छोटे गांव हैं और ये पीछे पहाड़। ये भी हिमालय नहीं दिख रहा, ये इससे पहले के जो पहाड़ है वो है। अभी मैं जब पौड़ी वापस जाऊँगा, पौड़ी सिटी एक्चुअली वो उधर उस तरफ रह गई है, जो उधर है ना पहाड़, उसके इधर है गई पौड़ी सिटी। और एक नीचे भी उधर भी कोई बड़ा सा शहर दिख रहा है, और ये भी पौड़ी में ही है। ये आनंद हिमालय रिज़ॉर्ट भी पौड़ी में ही है। और तो अभी मैं आपको पौड़ी, अगर मौसम साफ़ होगा, काफ़ी फॉगी सा है यहाँ पे, तो अगर मौसम साफ़ होगा तो मैं आपको चौखंबा की पहाड़ियाँ और गंगोत्री के जो पहाड़ होते हैं वो सब दिखाऊँगा यहाँ से। तो चलो अभी चलते हैं इस रिज़ॉर्ट के अंदर और देखते हैं। सो वी आर डन विद आर लंच। और मैं बोलना चाहूँगा, पीछे इस रिज़ॉर्ट में खाना काफ़ी अच्छा था, तो अगर आप पौड़ी हैं तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक है, तो अभी चलते हैं ऊपर जाके, देखते हैं वहाँ कैसा नज़ारा है। रिज़ॉर्ट के मालिक यही लोग हैं जिनका पीछे ये इन्होंने यहाँ पे अपने के लिए घर भी बनाया है। सारे बाहर के हैं ये, हरियाणा के, और इन्होंने ये रिज़ॉर्ट बनाया। ये जगह रिज़ॉर्ट की काफ़ी अच्छी लोकेशन चूज़ की इन्होंने। तो देखो चलते हैं ऊपर। देखो कितना हरा भरा है, ग्रीनरी काफ़ी है यहाँ पे, काफ़ी शांत माहौल है।
चलिए दोस्तों, अब आपको मैं पौड़ी की इंटरनल सैर कराता हूँ। जो नहीं जानते, पौड़ी एक उत्तराखंड स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है और एक प्यारा सा हिल स्टेशन भी। दोस्तों, पौड़ी शहर समुन्द्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ों से घिरा पौड़ी शहर गर्मियों में अक्सर सुहाना होता है, सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। आप जनवरी से लेकर मार्च के महीने में यहाँ बर्फबारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो जो लोग शिमला, नैनीताल या मसूरी जाकर बोर हो चुके हैं और चाहते हैं कोई रस्टिक वर्जिन प्लेस में जाना, तो पौड़ी उनके लिए एक अच्छा ट्रैवल ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, जब मौसम अच्छा होता है तो आप पौड़ी से गंगोत्री चौखंबा की पहाड़ियों के अद्भुत दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, पौड़ी में आपको अच्छे होटल और खाने पीने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट मिलते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई जगह पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए और इस चैनल रावत्स लाइफ को सब्सक्राइब करने ना भूलिए।